सनी देओल ने पाकिस्तान जाकर के जिस नल को उखाड़ा था उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी भी सनी देओल एक और गदर लेकर के हम सभी के बीच में आ गए हैं। आज सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म गदर पार्ट 2 रिलीज हो गई है, जिसे देखने के लिए सिनेमाघरों में भयंकर भीड़ उमड़ गई है। टिकट मिलने में लोगों को इस कदर परेशानी हो रही है कि टिकटों को लेकर के मारामारी मची हुई है। आज हम इस फिल्म से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि आखिर इस फिल्म पर समीक्षकों का क्या कहना है, फिल्म किस तरीके से लोगों के दिलों को जीत पा रही है या नहीं, इस बात की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिल्म का मुकाबला किससे है और फिल्म किस तरीके से इस मुकाबले में अपने आप को बढ़त बनाए हुए है, ये भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश कश्यप। आज सनी देओल की गदर पार्ट 2 रिलीज हो गई है। गदर पार्ट 2 रिलीज हो जाने के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की मारामारी मची हुई है। टिकट मिलने में लोगों को इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि अब टिकट ब्लैक तक में बिकने शुरू हो गए हैं। फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म को अच्छी रेटिंग दी है और फिल्म समीक्षकों का कहना है कि यह फिल्म बहुत ही जबरदस्त कमाई करने वाली है और कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड फिल्म तोड़ने वाली है। तो वहीं कुछ समीक्षकों का कहना है कि आज जो गदर पार्ट 2 के साथ साथ जो अक्षय कुमार की ओ माय गॉड फिल्म रिलीज हुई है, गदर पार्ट 2 का सीधा मुकाबला ओ माय गॉड फिल्म के साथ है। तो वहीं कुछ फिल्म समीक्षकों का कहना है कि ओ माय गॉड और गदर पार्ट 2 के मुकाबले में जो संघर्ष चल रहा है उसमें कहीं कहीं गदर पार्ट 2 जो है बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। गदर पार्ट 2 में को देखने के लिए यानी सनी देओल को देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं अक्षय कुमार की ओ माय गॉड फिल्म भी अब कहीं पीछे नजर नहीं आ रही है। ओ माय गॉड फिल्म को लेकर के तमाम विवाद भी हुए, तो वहीं गदर पार्ट 2 को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह था और लोग बहुत कई सालों से गदर पार्ट 2 की प्रतीक्षा कर रहे थे। गदर पार्ट 2 का टीजर और पोस्टर रिलीज हो जाने के बाद लोगों में सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन आज वह सब्र का बांध आखिरकार पूरी तरीके से टूट गया और गदर पार्ट 2 फिल्म लोगों के सामने आ गई। सिनेमाघरों में गदर पार्ट 2 फिल्म लग चुकी है, जिसे देखने के लिए जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। फिल्म समीक्षकों का कहना है कि ये फिल्म इस बार पिछली बार के से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि सनी देओल को 22 साल के बाद स्क्रीन पर देखा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा समय पीरियड होता है। सनी देओल को देखने के लिए एक अलग तरीके का क्रेज थिएटरों के बाहर दर्शकों में दिखाई दे रहा है। लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फिल्म देखने के लिए थिएटर के अंदर जा रहे हैं। तो वहीं फिल्म जब शुरू होती है तो फिल्म शुरू होने के बाद जैसे ही सनी देओल की एंट्री फिल्म के अंदर होती है तो वहीं तो लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भी देखे जा रहे हैं। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिनको लेकर के लोग उत्साह से ओतप्रोत हो जाते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद तक की नारेबाजी करते हुए थिएटरों में अब दिखाई पड़ने लगे हैं। गदर पार्ट 2 का क्रेज इस कदर लोगों पर हावी हो चुका है, लोगों के जहन पर इस कदर से गदर पार्ट 3 का क्रेज, पार्ट 2 का क्रेज हावी हो चुका है कि अब लोगों को लगने लगा है कि सनी देओल की एंट्री पाकिस्तान में होते ही पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है। फिल्म में जबरदस्त डायलॉग का प्रयोग किया गया है, जिससे फिल्म देखने का मजा अपने आप में दोगुना हो जाता है। फिल्म में जबरदस्त वीएफएक्स का भी प्रयोग किया है, जिससे फिल्म देखने में कहीं से भी बोरिंग नहीं लगाई दिखाई देती है और फिल्म देखने का मजा अपने आप में बढ़ता ही चला जाता है। 22 साल के बाद सनी देओल ने रुबाइले पर्दे पर अपनी एंट्री की है और धमाकेदार एंट्री की है। सनी देओल की एंट्री को देखने के लिए उनके फैंस में काफी दिनों से उत्साह और उमंग की लहर देखी जा रही थी। काफी समय से सनी देओल का इंतजार उनके प्रशंसक कर रहे थे कि आखिर कब उनकी फिल्म गदर पार्ट 2 रिलीज हो और वो उसे देखने के लिए सिनेमाघरों में जाए। हालांकि सनी देओल का मुकाबला अक्षय कुमार से है। सनी देओल की गदर पार्ट 2 और अक्षय कुमार की ओ माय गॉड फिल्म के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों किसी मायने में एक दूसरे से कम नहीं है और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आप दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। और इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद आपको कौन सी फिल्म पसंद आती है, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आखिर गदर पार्ट 2 अच्छी लगी या आपको ओ माय गॉड फिल्म अच्छी लगी। आप ये इस बात कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दिए गए बेल आइकन को दबा करके आप वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम इसी प्रकार से अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लेकर के आते रहते हैं ताकि आपको कोई भी खबर मिस ना हो।